कैसे बदल जाती है कि जैसे खिलता हो कोई गुलाब। सुन सुना कि लड़का तेरा हो गया है दीवाना, क्या तू भी होगी उसकी दीवानी या ना, क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार प्यार है हुआ। सारे खो चुके हैं ये नजारे, कोई भी ना जाने क्या हुआ है, बस ये हम ही जाने। ऐसे किसी से जा मिलता है जिंदगी भी कैसे बदल जाती है कि जैसे खिलता हो कोई अगर मैं बोलूं मुझको तुमसे प्यार हुआ, क्या सुनते ही तुम मुस्कुराओगी या ना, या शर्मा के भाग जाओगी, क्या चाहोगी। सुन सुना कि लड़का तेरा हो गया है दीवाना, क्या तू भी होगी उसकी दीवानी या ना, क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार प्यार है हुआ। Five years, 6 hours, 8 minutes and 4 seconds and counting. 5, 6, 7. This is so strange though. 5 years later, it feels like I met you yesterday. But the question is कि जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, क्या मुझे तुमसे उस वक्त ज्यादा प्यार था या आप? ये 5 years, 6 hours, etcetera, etcetera, तुमने मूवी से उठाया ना? मूवी से उठाया होगा, लेकिन ये सेटअप तो ओरिजिनल है ना? हाँ, सेटअप तो ओरिजिनल है, लेकिन जुफान सिकंदर, तुमने मुझे कभी प्रपोज नहीं किया। क्या? What do you mean? वही जो तुम इतने सालों से मुझे अलग अलग अंदाज में बता रहे हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन प्रपोज तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया। I love you, Faza. वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन उससे आगे क्या? इसके आगे क्या? It's मोहब्बत है, मोहब्बत के आगे क्या होता है? मोहब्बत पे सब कुछ खत्म हो जाता है। Will you marry me कहने की हिम्मत कब करोगे तुम? 5 साल हो गए जी, तुमसे हिम्मत नहीं हुई ना? और मैं जब भी ये सवाल पूछती हूँ तुम ऐसे खामोश हो जाते हो, क्या सोच रहे हो? अजलान सिकंदर अलीशा, जो इंसान सिर्फ एक लड़की के गम में इस दुनिया से खो चुका, हिम्मत दिखाई ना उस इंसान ने? क्या मिला हिम्मत दिखाने उसको? बस बेचारा तंबाकू और पेट्रोल बस फूंकता रहता है,
ना कोई अंदाजा है कि क्या दिन चल रहा है, क्या मौसम है, क्या आप जिंदगी है, कौन लोग हैं इर्द-गिर्द, क्या हो रहा है. उसको ना बस सारी दुनिया भूल गई है, वो शनाज और शनाज का गम, और बस वो लेके वो पूरी दुनिया में अपना दुख बांटता रहता है. एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अजलान शेख. और मैं देख चुका हूँ उनके साथ क्या हो चुका है. मुझे वो अंजाम नहीं चाहिए. मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे गम को लेके पूरी जिंदगी बस सिगरेट पीता रहूं. जी, ये 5th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन और पता नहीं कितनी और कब तक करते रहेंगे. शादी की सेलिब्रेशन करेंगे कभी के नहीं. सिकंदर शेर अली. ओह गॉड, नॉट अगेन. मेरे अब्बा, आप जानती तो होंगी उन्हें, और आप ये भी जानती होंगी कि उनके असूल जो हैं जिंदगी के बारे में, स्पेशली पर्टेनिंग टू लव मैरिज, क्या है. एक इंसान जिसको लगता है कि लव मैरिज ताल्लुक खराब कर देती है एक खानदान के अंदर, एक हार्मनी फैमिली की खत्म हो जाती है जस्ट बिकॉज यू गेट मैरिड टू समवन यू लव. तो आप ये कह रही हैं कि मैं बेसिकली वो करूं जो मेरे भाई ने किया और अपने अब्बा के साथ सारा अपना रिलेशनशिप कर दूं खराब. तुम आशिकी माशूकी की नजर हो गए. अरे अरे सोच तो लिया होगा, क्या मिसाल कायम कर रहे हो अपने छोटे भाई के लिए. ये सिकंदर शेर अली का घर है, समझ में आई. यहां बहू हमारी मर्जी की आएगी. और मम्मा जो कि ऑलरेडी भाई की वजह से परेशान है, जो कि रोती रहती हैं, उनको भी मैं जाके और रुलाऊं और अब्बा के साथ लड़ाई करूं. एंड इट्स अ हैप्पी फैमिली लिविंग टुगेदर, राइट. मैं इस तरह तुम्हें समझाऊं कि ये नहीं हो सकता फिजा. आई कैन नॉट डू दिस, नॉट टू माई सेल्फ एंड नॉट टू माई फैमिली. क्या करूं मुझे बताओ. अगर मैं इस बारे में कोई भी बात करता हूँ अपने घरवालों से तो तुम्हें अंदाजा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा. एवरीथिंग इज गोना बी डन विद. जी तुम चाहते हो ना सब खत्म ना हो, लेकिन ऐसे भी बचेगा नहीं. सारा वक्त जाया हो जाएगा और मैं ये वक्त जाया नहीं करना चाहती. मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ. मेरा साथ दो ना, बेयर विद मी, स्टे विद मी, जस्ट आई प्रॉमिस यू कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा. जी कुछ खुद से होता नहीं है, करना पड़ता है. रास्ते निकलते नहीं है, निकालने पड़ते हैं. तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना. पूछ रही हो या बता रही हो. ना पूछ रही हूँ ना बता रही हूँ. मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तभी तो ये सब सजाया है ना तुमने मेरे लिए. और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी को भी ऐसे ही सजा दोगे. मैं सब जानती हूँ. 5 साल से तुम्हारी ये कहानी सुन रही हूँ और ये बात समझ गई हूँ कि तुमसे कुछ भी बिखरा हुआ समेटा नहीं जाएगा, इस डर से कि कहीं वो और ना बिखर जाए. इसलिए अब तुम मेरा प्लान सुनो, जो मैं कहती हूँ उस पे अब मेरा साथ दो. फिजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता. मुझे क्यों छोड़ोगे तुम, मैं तुम्हारी जान नहीं ले लूंगी. फिजा मैं अपने खानदान को भी नहीं छोड़ सकता, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता. ओह गॉड किल मी, तुम किसी को नहीं छोड़ोगे. हम अपने घर वालों को क्यों छोड़ेंगे, उनके बगैर हम क्या करेंगे. मेरा प्लान कुछ और है. कौन सा प्लान. तुम पहले वापस उस मूड में आओ जहाँ पे तुम 5 साल 6 घंटे 7 मिनट 5 4 3 2 1 कर रहे थे. जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ तुम परेशान होकर बैठ जाते हो, सारी बात ही खत्म हो जाती है. मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगी ना उस जोन के अंदर. तुम मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले गई हो, मुझे बता दो कि प्लान क्या है. मेरे पास एक पक्का प्लान है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा. क्या मतलब. तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आज से हमारी शादी मेरी जिम्मेदारी है. ऐसा मैंने हमेशा बगैर वादे के तुम पे ट्रस्ट किया है ना, अब तुम्हारी बारी है मुझ पे ट्रस्ट करने. आगे पीछे सारे खो चुके हैं ये नजारे. बोलूं तो भी क्या ही बोलूं, सब जो तुमने कह दिया रे. फिर भी चाहूं सुनना तो कह देती हूँ तुमसे प्यारे.
फिर मैं जा रहा हूँ मोहब्बत की जंग लड़ने। हम और ये जंग नहीं है, ये हमारे बहुत लंबे प्यार से सफर का छोटा सा मंत्र है। पक्की बात? सोच लो, आखिरी मौका है। पहला पहला मौका। Miss Fiza Chaudhary, will you arrange wedding? Yes. Yes. तुम ready थे? मतलब सुनने में तो यही है कि लड़की अगर आप 5 साल के अंदर अंदर नहीं प्रपोज कर सकते तो फिर क्या ही हो सकता है। तो बस एक बैकअप प्लान था कि यार अगर आपने ये पूरा मेरे सामने खड़ा कर दिया एक मॉन्यूमेंट तो उसका फिर सलूशन तो ये हो। दिस इज माय बैकअप ऑप्शन। ओके सो बस इसको देखो क्या कर रहे। सिकंदर calm down, it's okay। समिया आप देख रही हैं ना, सिकंदर calm down please। आप क्या मतलब calm down please? अरे आप इसकी तरफदारी करना छोड़े। इस बदतमीज ये ठीक से कौन खड़ी करेगा? ये देख रही हैं आप मोटरसाइकिल बीच में खड़ी कर चला गया, इसे ठीक से खड़ा कौन करेगा? सिकंदर आहिस्ता बोले, कोई क्या कहेगा? क्या कहेंगे? जो नजर आएगा पूरे मोहल्ले को वही तो वो कहेंगे ये जानबूझ के करके गया। मेरे चश्मे इधर दीजिए। बोलिए, देखा है आपने अपने साहबजादे देखा? मुंह में सिगरेट, घमंडी, नाकाम आशिक, बहुत हो गया और ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है। मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा समिया। सिकंदर आप प्लीज अंदर चले ना, और प्लीज उसके सामने कुछ मत कहिएगा खुदा के वास्ते। क्यों? बताइए क्यों? उसका बाप मैं हूं या वो मेरा बाप है, या ये रिश्ता बदलना भी चाहती है? आप काम ना जाए प्लीज, भी आपका बायपास हुआ है, आप अंदर चलो, मैं इसे कह देती हूँ ये ठीक करके खड़ी कर। आपने समिया उसको बहुत सर पे चढ़ाया, बहुत, और ये ज्यादा अरसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बताए दे रहा हूं आपको। चलें अब आप गुस्सा थूक दें, अभी आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी।
सिकंदर, मैं कह रही हूँ मैं उससे बात करूंगी, आप टेंशन नहीं लो प्लीज। औलाद की इस्लाह करना बात को बढ़ाना होता है क्या? हाँ मिया, मसला क्या है आखिर? मामा इनको जरा बताएं कि मेरा क्या मसला है। हसन तुम अंदर जाओ कमरे में। नहीं नहीं मैं इधर ही खड़ा हूँ, मेरे सामने जरा इनको बताएं ना कि मेरा क्या मसला है, भूल गए शायद। भूला नहीं हूं मैं, याद है मुझे और मेरा फैसला दुरुस्त था। मामा अगर इनका फैसला बिल्कुल ठीक था तो फिर तो चला क्यों रहे? अरे इनको बोले ना रिलैक्स करें, फैसला ठीक था तो भुगते हैं। तुम चुप हो जाओ ना। कैसे चुप होगा आशिक, ये इश्क का जादू सर चढ़कर जो बोल रहा है इसके। ये आशिक तो उसी दिन खामोश हो गया था जिस दिन आपने जाके शहनाज के घर बदतमीजी की थी और रिश्ते से इनकार किया था। अब तो सिर्फ बागी बोल रहे और बागी मरते दम तक बोलता रहेगा। इन्हें बता दे मां, सुन रही हैं आप, लहजा देखा है इसका, होंडा है ये शख्स, होंडा। इसको कहें कि बाइक हटाए नहीं तो आग लगा दूंगा। और ये जो 7 साल से शहनाज 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 की रट लगाई हुई है, ये रोना रोना बंद कर दे। बच्चे हो गए उसके, 6 महीने हुए अभी आपके बाईपास हुए, आप प्लीज स्ट्रेस मत लो, अंदर चलो। ये है मोहब्बत, जो 7 साल से नहीं मिली तो बाप से डायरेक्ट बात करना भी गवारा नहीं करते साहब, और अगर मिल जाती तो माँ बाप दोनों को घर से बाहर निकाल के फेंक देता। इश्कबाजियां मोहब्बतें ये सब बर्बादी उसी की लाई हुई है। और मेरी बात सुन लें आप, उसकी तरफदारी करना छोड़ दीजिए, कह दे रहा हूं आपसे। शहनाज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अज़ला, तुम्हारे अब्बा ने बहुत बेइज्जती की है हम लोगों की, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी और मेरे अब्बा की बेइज्जती दरवाजे पे खड़े होके की है। बहुत बड़ा जुमला बोल के गए हम, कहते हैं घूमने फिरने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसा सकती। शहनाज मैं समझता हूँ कि जो भी अब्बा ने कहा बहुत गलत कहा, लेकिन अगर इस तरीके से हैंडल करेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ जाए, आई डोंट केयर, मैं तैयार हूं। अगर तुम्हारे अब्बा ने मुझसे और मेरे अब्बा से हमारे घर के दरवाजे पे आके माफी ना मांगी तो अज़लान एक बात कान खोल के सुनना, मेरे लिए मेरी इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। अगर इज्जत का सदका मोहब्बत है ना तो फिर ठीक है, मैंने तुम्हें मार दिया।
डू यू रियली वॉन्ट? बता दे एक दफा, बस मुझे बता दे क्या चाहता है, मतलब। निशा चौधरी, एक लड़की तेरे लिए क्या क्या और करे यार तू, मतलब क्या चाहता है? What more do you want her to do for you? मेरी बात सुन, focus, ठीक है? और जो वो तुझे कह रही है, चुपचाप बस करता जा, you know, just stick to what she's saying, that's it. और कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। रिस्क नहीं है बहुत बड़ा, रिस्क तो जिंदगी में लेने पड़ते हैं बॉस। असल रिस्क ये होगा कि तुम्हारी फिजा चौधरी से शादी नहीं होगी और तुम बन जाओगे जुहान अली से। जुहान अली मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। सोच, और क्या चाहते तू कि क्या फिजा जो है वो क्या शहनाज बन जाए? पागल हो गया तू? फोकस कर, हिम्मत कर, सब कुछ छोड़, जो वो कह रही है वो कर, रिस्क ले ना। इश्क में रिस्क लेगा वो रिस्क उस रिस्क से बेहतर है जो तुझे हसनान अली बना देगा। समझ आ गई? या नाइस। हेलो। हाँ जी, बात हुई आंटी से? बस सोच रहा था। तुम क्या सोच रहे हो जी? सब कुछ सोच कर मैंने पूरा प्लान तुम्हें प्रेजेंट कर दिया है, तुम मजीद क्या सोच रहे हो? हाँ मैं जाएगी रहा था बात करने, लेकिन वो टाइम अभी 10 बज गए हैं ना रात के, तो शायद मम्मा सो गई हो, तो जब सुबह उठेंगी तो तब बात कर लूंगा। रात के 10 बजे कौन सोता है जी? एक बार ध्यान से सुन लो, आज अगर तुमने आंटी से बात ना की ना तो मैं कल सुबह तुम्हारे घर आके आंटी अंकल से खुद बात करूंगी, फिर तुम्हारे अब्बा और भाई जो मर्जी सोचे, समझ गए? तुम्हारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मेरी जान तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बता रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ बात, सो जस्ट रिलैक्स एंड लेट इट हैपन, ओके? गुस्सा नहीं कर रही थी, इट्स जस्ट दैट मैं तुम पे कभी रिलाई नहीं कर पाती हूँ, कोई बात तुम पर छोड़ नहीं पाती हूँ। वाओ, सो नाइस ऑफ यू। हाँ अच्छा जाओ, अब जाके आंटी से बात करो। मेरी बात मम्मा पापा का जुहान, सलाम अलैकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम तो 6 बजे आने वाले थे, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? सालगिरह, उसमें हाँ। सालगिरह किसकी? किसकी? कॉलीग का बच्चा था एक उसकी, सो केक कटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू। तुम्हारे अब्बा के लिए चाय बनाने जा रही थी मैं, चाय पियोगे? चाय? हाँ चाय पी लूंगा। क्या बात है, कहाँ घूमो? नहीं क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? मां आपसे बात करनी है। बात करनी है क्या?
नहीं, ऐसे नहीं, आप पहले चाय बना लो ना अब्बा के लिए, फ्री हो जाओ, फिर एक दफा बैठ के बात करते हैं। मैं बाहर ही हूँ। क्या हो गया रोहन? You're scaring me now. No. Don't be scared. Relax. मैं इधर ही हूँ, आप चाय बनाओ फिर बात करते हैं आराम से, ओके? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अजलान ने तो नहीं कहा तुम्हें कुछ? नहीं भाई की बात कोई नहीं है, आप आराम से जाएं, जाके चाय बनाएं, जब आप फ्री हो जाएंगे तो हम आराम से बैठ के बात कर लेंगे, ओके? अच्छा ओके ठीक है, आ रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, ओके? ये ले चेक। अरे चेक कहाँ से हो गया? चलो तुमसे जीतने में खुशी है लेकिन हारने में ज्यादा खुशी है। नहीं 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 कमल, दिस इज नॉट राइट। तुम मुझे बातों में लगा के ना मुझसे जीतना चाहते हो। अरे कहाँ जीतना चाहता हूँ यार, जीतना नहीं चाह रहा, बस तुम्हें टफ टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। What? Are you kidding me? आप लोगों को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ रही है? भाई सिचुएशन तो यही है कि लड़का अपनी माँ से बात करने वाला है। हाँ, और होपफुली आज कर लेगा। आप बता, आज पहली बार मैं जीत रही हूँ, कैसा लग रहा है? मुझे स्ट्रेस हो रहा है। I know what to do. तो बताओ ना, what can we do for you? फिलहाल तो ये गेम बंद करें। गेम कैसे बंद करेंगे मेरी जान? गेम तो तुमने शुरू कराई थी, अब प्रेशर भी तुम्हें लेना होगा, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। देखो ना, प्लीज प्लीज, आई एम विनिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। पापा चाय। एक चाय बनाने में इतनी देर लग गई? मैंने तो आपको आधा घंटे पहले कह दिया था। वो इस टाइम पर गैस कम आती ना, आपको पता तो है, इसलिए देर हो गई। पर गैस तो 10 बजे के बाद कम होती है, नहीं? मैंने तो आपको 9:45 बजे कह दिया था। वो जुहान आ गया था, मैं उससे बात करी थी। तो ऐसे कहिए ना, गलत बयानी की क्या जरूरत थी? ये मैंने दवा रख दी आपकी, आप ले लीजिएगा। मैं जरा जुहान को खाना दिया हूं, वो मेरा वेट कर रहा है। उससे पूछिएगा कि आजकल देर से घर को क्यों लौटता। अपने लाड प्यार और मोहब्बत से दूसरा बेटा बर्बाद ना कर दीजिएगा। उसकी बासबूस कर लिया कीजिए। मैंने पूछा था उसे, बर्थडे पर गया हुआ था। आपके दवा ले लीजिएगा, मैं आती हूँ। हाँ भाई, कहाँ रह गई थी मम्मा? तुम्हें पता तो है अपने अब्बा का, जरा सी ऊंच नीच पर कितना गुस्सा हो जाते हैं, और फिर तुमसे अलग खफा थे। मुझसे क्यों खफा है? मैंने क्या कर दिया है अभी? फिर किसी ने कुछ कह दिया ना, आपका बेटा ये कर रहा था। भाई तुम देर से आए थे, 2 दिन पहले भी देर से आए थे, बस इसी बात पर शुरू हो गए थे कि अब मुझे तुम पे ज्यादा कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो एक और बेटा बर्बाद हो जाएगा मेरी वजह से। आपको पता है अब्बा की आदत है, कहते होते हैं बस ये बात है, आप दिल पे क्यों लेती हैं? दिल पर लेती होती तो इतनी उम्र ना गुजारती। दिल पर नहीं लेती मैं, अच्छा चलो छोड़ो,
तुम आओ यहाँ। ये क्या तुमने सस्पेंस फैलाया है? बताओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सबसे पहले तो आप आराम से आंखें बंद करें एंड टेक अ डीप यस 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 प्लीज ना दिस मामा, ये एनर्जी को बस निकालें, चलें, लेट्स गो। डीप ब्रेथ इन और आप एक्सहेल करके सब कुछ निकाल दें, सब फ्रस्ट्रेशन, फियर्स, डर, कोई भी किसी भी किस्म की घबराहट नहीं होनी चाहिए। जस्ट लेट इट गो, लेट द बॉडी लूज, रिलैक्स। लेकिन दिल, दिल मजबूत रखना है अपने मामा। ओके मामा, मैं मुंह में दबाए सिगरेट लेके और बस यादों की कोई डायरी लेके हाथ में नाकाम आशिक की तरह बस नहीं फिरना चाहता ये दुनिया। So, प्लीज 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 मामा, मुझे बचा ले प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? अब आंखें क्यों खोली नहीं? आंखें तो बंद करें, अब फिर से सांस ले। मुझे एक लड़की 5 साल से पसंद है, उसका नाम है फिजा और हम दोनों दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम दोनों दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। अम्मा कुछ बोले तो सही मामा, आवाज आ रही। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं होना, खुदा के वास्ते आइंदा इस तरह की बात करने की जुर्रत भी मत कीजिएगा। एक मिनट, अभी तो मेरी बात शुरू हुई है, खत्म भी नहीं हुई। बैठ तो सही ना। देखो जुहान, मैं अजलान की वजह से पहले ही बहुत घुट रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा को कितनी नफरत है लव मैरिज के नाम से। मैं एक और बेटे को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आई कांट सी यू कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, रूठ जाओ जिंदगी से। इसी अंजाम से तो आपने मुझे बचाना है मामा। That's why I'm asking for your help. And you seriously think that I can help you? मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी और वो मेरी बात सुनेंगे? जुहान, ये नहीं हो सकता। एक मिनट ना, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? प्लान आप बैठे तो सही ना, सुने तो सही। तो प्लान ये है कि मैं फिजा को जानते ही नहीं, कोई भी फिजा को नहीं जानता, ना आप जानते ना मैं जानता हूं फिजा, कौन फिजा। और आपने रिश्ते वाली आंटी को बोला था कि एक रिश्ता ढूंढ के दें आपको, और वो रिश्ते वाली आंटी ने आपको रिश्ता किसका ढूंढ के दिया? पिको, फिजा का। और जब फिजा का रिश्ता आपको मिला तो आप उस रिश्ते के बारे में सिर्फ जाके बता रही हैं अब्बा को। तो अब्बा को ये पता ही नहीं होगा कि मैं और फिजा एक दूसरे को जानते हैं। That we know each other from before whenever. और फिजा ने दूसरी तरफ अपनी अम्मी से बात कर ली, they're all on board. So basically, technically, what's left is कि आप मेरी तरफ से on board आए, so that you know हम me फिजा and you know प्यार plan. पागल हो गए तुम? तुम्हारा ख्याल है ये कोई ड्रामा है, ये कोई खेल है? दिस कैन नॉट हैपन जुहान, दैट्स इट। तो ठीक है फिर, घर पे एक बेटा तो मजनू है, अब दूसरा भी एप्पल जूस पीकर टोन हो जाएगा।
के पीछे सारे खो चुके हैं ये नजारे। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।